भारतीय किसान यूनियन पीड़ित परिवार के लोगों के साथ मंगलवार को एसएसपी कार्यालय पर पहुंचा। यहां बड़ी परिवार ने एसएसपी के आगे न्याय की गुहार लगाई, आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की। मामला थाना भावनपुर क्षेत्र का है, जहां गुलसमा की शादी लगभग 8 वर्ष पूर्व मारू कुपुत्र कादर ग्राम मेरठ थाना भावनपुर में हुई थी। गुलसमा के 2 बच्चे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने महिला के पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीड़ित महिला के पति ने दूसरी शादी भी करी है। दूसरी शादी करने के बाद से ही लगातार पीड़ित महिला का पति महिला के साथ मारपीट करता था और गले में फंदा लगाकर उसे मारने की भी कोशिश की गई। आरोप ये भी है कि उसके पति मारूफ के भाइयों द्वारा पीड़ित महिला के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा महिला अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है और हालात उसकी बहुत खराब है। इसकी सूचना हमने थाना भावनपुर पुलिस को दी, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि पुलिस ने आरोपियों के साथ सांठगांठ कर थाने से ही आरोपियों को जमानत दे दी है। क्या नाम है आपका, किस कार्यालय? हाँ, हमारा नाम चौधरी पदम सिंह, हम मंडल अध्यक्ष मेरठ भारतीय किसान यूनियन तोमर से हैं। और आज जो हम यहाँ एसएसपी साहब के यहाँ आए हैं, मामला ये है कि एक गुलसमा नाम की लड़की है जो कलछीने जनपद गाजियाबाद के रहने वाली है, और जई गांव में थाना भवनपुर जई गांव में उसकी शादी हुई है लगभग 8 वर्ष पहले, और मारुक नाम के लड़के से शादी हुई थी जिनके पिता का नाम है कादिर। और जो कादिर ने क्या किया कि कादिर का जो बेटा मारुक है उससे गुलसमा को 2 बच्चे भी हैं, जिसकी आयु बड़े बेटे की 6 वर्ष और छोटे की 4 वर्ष है। उसके बावजूद भी मारुख ने अभी दूसरी शादी कर ली, और ये गुलसमा जो है इसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की है और इसको मारने की कोशिश की गई है। आज वो अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। और ये हाँ 21 तारीख की घटना है, लगभग 7 दिन तब से ही वो अस्पताल में है, ब्लीडिंग उसके चल रहा है, और थाना भवनपुर इंस्पेक्टर ने उन आरोपियों से साठगांठ करके उन्हें बाहर से बाहरी जमानत दे दी, जबकि पुलिस की कार्यशैली पर ये प्रश्न उठता है। और हम ये चाहते हैं एसएसपी, यहाँ से आश्वासन ये मिला है कि आपको हर संभव मदद मिलेगी और जो आरोपी हैं उनको सजा दी जाएगी।